आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ। किसी भी स्थिति में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, पर मेरा प्रयास है कि जनता के सहयोग से जो उत्साह है और कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। नितिन जी, आपने कहा कि पिछले 10 सालों में आपने 1 लाख करोड़ रुपए के काम किए, और आप ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर क्या होगा? पिक्चर तो नागपुर विदर्भ का सर्वांगीण विकास, ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा संकल्प रहा है। और टूरिज्म, इंडस्ट्री, आईटी, बिहार की डेवलपमेंट, नाग नदी का शुद्धिकरण, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नागपुर शहर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करके एक ग्रीन शहर बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पर, अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल पर चलेगा, पेट्रोल डीजल का यूज नहीं के बराबर होगा, और नागपुर में विशेष रूप से अच्छे बगीचे, अच्छे खेलने के मैदान, हर मतलब विधानसभा क्षेत्र में 2 स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, और उसके साथ विशेष रूप से मैं कोशिश करूंगा कि नागपुर के युवाओं को, अभी 68,000 लोगों को बिहार में रोजगार मिला है, 1 लाख आंकड़ा मैं 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। नितिन जी, हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर है प्रचार का, आप मैन टू मैन रीच आउट करने का प्रयास करें। देखो, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को मिलूं और उनका आशीर्वाद लूं, इसलिए मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं और डायलॉग कर रहा हूं, और लोगों से मिलना मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट एंड हाउस टू हाउस, ये मेरी कैंपेन की विशेषता है। और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहा हूं, और कभी कभी मैसेज भी, कुछ बातें भी वहीं से उनके पास पहुंचती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।